जैसे इतना छोटा छोटा प्याज है तो आज इसी को बना रहे हैं। प्याज और आलू बहुत टेस्टी लगता है। तो दोस्तों आप काट लिए हैं कचरा, सब्जी खा लेती हूँ। तो दोस्तों इधर धो के लेके लाई हूँ और इधर कढ़ाई और इधर कर देती हूँ चालू। कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ। तो दोस्तों मिर्चा भी काट ली हूँ और इधर कढ़ाई गर्म हो गया है। अब डाल देती हूँ तेल। तो इस वाला तेल में कुछ बनाए थे तो इसी तेल को यूज करूँगी। तेल गर्म हो चुका है, अब डाल देती हूँ मिर्चा। मिर्चा भुंजा गया है, अब डाल देती हूँ प्याज और आलू। इसमें डाल देती हूँ नमक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। उम्मीद है कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और पूरे मस्त होंगे। तो जैसे कि करीना बना रही है प्याज और आलू का भुजिया, देखिए इधर है प्याज, तो सबको काट कूट लिए हैं। तो आज काट लिए हैं, रात भर काटे हैं तब जाके कटा है इतना। ये देखिए इधर रख के इतना ही है दोस्तों, लेकिन खाने के लिए हो जाएगा। अच्छा जी, दो बोरी हो जाएगा, एक साल बेचा तो हो जाएगा। ओके, तो इधर पक चुका है, पक चुका है। ऐसा कुछ हुआ है बिना हल्दी मसाला लगाया चलेगा ये। दोस्तों आज भी है वाटर वाला रेस, तो ये आज हम लोग नहीं करने वाले थे, ऐसा नहीं करने वाले थे, पर ये ज्यादा पक गया था। ये चावल ज्यादा पक गया, हम लोग पानी डाल दिए और प्याज भी लगाना ही पड़ेगा। प्याज भी खराब हो रहा था, मतलब पत्थर मार दिया था, उसको बना बना के भुजिया बना लिए हैं। तो चलिए शुरू करिए। जाता दीदी क्या का थारा से भी बाहर निकल रहा है।
तो इतना मिर्चा है, मिर्चा ज्यादा लगा दिए थे, लगा दिए थे और खाने में तो बहुत टेस्टी लगा। हम लोग का मकसद नहीं था कि हम लोग थे चावल वाला पानी बनाएंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा पक गया था इसलिए गीला हो गया, मतलब गीला। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो पहली बार चैनल में आते हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।